लकबजनी और चोरी की घटनाएं विशेष करके सीएचपी थाना क्षेत्र में हुई, उसको लेकर के एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें एसएचओ द्वारा और उनकी टीम द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए एक लकबजनी की गैंग को पकड़ा है, जिसमें से एक हार्डकोर क्रिमिनल है, एक हिस्ट्री शीटर है और दो अन्य क्रिमिनल्स हैं। इनके खिलाफ पूर्व में भी काफ़ी सारे मुकदमे दर्ज हो रखे थे, जिसमें से जो कपिल शर्मा जो हार्डकोर है वो 110 में ऑलरेडी 2 साल के लिए पिछले जुलाई में पापन था, उसके पश्चात भी इसका पहला केस सामने आया, जिसको 122 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिम्मत सिंह अभी हाल में ही जेल से बाहर आया है, उसके बाद उसने वारदात का। मैं इसलिए बताना चाहूँगा, करीब 7 वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें से जो सबसे पहले वारदात जो बड़ी वारदात है वो करीब 30 लाख रुपए की है, इसके अलावा बाकी वारदातें 5 से 10 लाख रुपए की देने की वारदात है। इनका जो मोटस ऑपरेंडी होता था, ये क्या करते थे, अलग अलग तरीके की सिम, अलग अलग मोबाइल यूज़ करते थे ताकि पुलिस इनको ट्रेस न कर सके। कुल 7 फोन और 23 सिम कार्ड और एक डोंगल इनसे बरामद हुआ। तो एक तरीके से ये इस प्रयास में थे कि जिनके मोबाइल नंबर के हिसाब आधार पर या किसी अन्य आधार पर ट्रेस नहीं किया जा सके, परंतु थाने की जो टीम थी एसएचओ साहब और इनकी टीम ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, काफ़ी लोगों से पूछताछ की, सूचना संकलित की, जो टेक्निकल एनालिसिस उसको प्रॉपर तरीके से किया और इस गैंग का पर्दाफाश किया। मैं जैसा आपको पहले बताया कि कपिल शर्मा हार्डकोर क्रिमिनल है, इसके खिलाफ पहले भी काफ़ी सारे मुकदमे हैं। इसके साथ साथ जो हिम्मत सिंह है वो हिस्ट्री शीटर है, उसके 22 मुकदमे सारे नकबजनी चोरी के। कपिल शर्मा के एक 302 का भी मुकदमा है, 392 और 394 का लूट और डकैती का भी मुकदमा है। बरामदगी क्या है? बरामदगी के प्रयास लगातार जारी हैं, अभी तक जो हमें सूचना मिली उसके आधार पर जो टीम एफर्ट करी लगभग 100% बरामदगी की संभावना। सर, किन किन इलाकों में इन्होंने जो है ये वारदातें की थी? ये जो 4 वारदातें हैं वो तो सीएचपी एरिया की हैं, अलग अलग इलाकों की, इसके अलावा 3 अन्य वारदातें अन्य क्षेत्रों की। तो जो 100% बरामद की सीएचपी की है या बाकी लोगों की? सीएचपी की है, पहले तो उस वारदात में ही अभी अरेस्ट किया गया है, उसमें पूछताछ की जा रही है, उसमें कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरी वारदात में इनको गिरफ्तार करके उसमें पूछताछ की जाएगी। आपने बताया कि मोबाइल सिम अलग अलग थे, तो कहें ये मोटर जहाँ पे जाते हैं सिम बदलते थे फिर बदलते थे? बिल्कुल, 23 सिम बरामद होना अपने आप में ये चीज़ मतलब दर्शाता है कि ये अलग अलग जगह अलग अलग सिम यूज़ करते थे और कोई एक सिम लगातार यूज़ नहीं करते ताकि इनको ट्रैक करना मुश्किल। सिम फर्जी कैसा गया, किन के नाम, इसका भी एनालिसिस किया जाएगा। सिम खुद के नाम से लिया है, फर्जी लिया। कितने लोग पकड़े गए? 4 लोगों को पकड़ा गया, महिला भी। हाँ बिल्कुल, एक महिला भी, क्योंकि ये जो 3 नकबजन थे वारदात करने के बाद एक पर्टिकुलर फ्लैट पर जाते थे, फ्लैट एक व्यक्ति और एक महिला के नाम से किराए पर लिया होता, फिर वहाँ पर जाकर के चारों लोग आपस में बंटवारा करते थे। तो स्पष्ट सी बात है कि जो महिला है उसका भी कहीं ना कहीं वारदात की पूरी तरीके से जानकारी है और इसमें शामिल है, इसलिए उसका लगता है। सर, वारदात करने के लिए महिला भी साथ में जाती थी? नहीं, अभी तक जो बात संज्ञान में आई उसमें 3 नकबजनी ये लोग यही जाते थे, बट अभी डिटेल पूछताछ की जाएगी और ये पता किया जाएगी महिला साथ जाती है। बंटवारा कर लिया था? ऑब्वियसली, क्योंकि ये पुरानी करीब 1 महीने पुरानी घटना है, तो संभवतः बंटवारा कर लिया होगा, जो अभी तक इतना मिली उसके हिसाब से बंटवारा कर लिया था, और बाकी डिटेल पूछताछ की जाएगी। सर, कितने लोगों की टीम थी और किस तरीके से जो है इन तक पहुंचा, क्योंकि बड़ी चुनौती दे रहे थे ये भी लगातार ऐसी वारदातें करते? उसमें एसएचओ साहब के नेतृत्व में करीब थाने के 13 से 14 जवान शामिल थे, जो लगातार सीसीटीवी कैमरा देखना, पुराने जो नकबजन हैं उनकी उनका लोकेशन ट्रेस करना, उनके आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करना, उनसे ला ला कर पूछताछ करना, इस तरीके से लगातार पिछले करीब 15 दिन से ये लोग लगे हुए थे। इसके बाद से इस घटना का एक साथ इसका डिटेल आपको अलग से। कितनी वारदात का 100% रिकवरी है सर? कितनी वारदात का पूरा पैसा बरामद हुआ? अभी तक 7 वारदात इन्होंने कबूल की है, जिसमें से मैं बता रहा हूँ कि जो जो अभी तक इन्होंने सूचना दी है उसके हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वारदात है उसके लगभग 100% रिकवरी हो जाएगी, बाकी वारदातों की रिकवरी का लगातार प्रयास किया जाए। ठीक है, थैंक यू।